गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास. ऑन लास्ट टर्म इन टॉपिक रियल नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन फाइंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. वी हैव एक्सप्लेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स हु आर सेटिस्फाइंग अ रिलेशन ए इक्वल्स टू बी बी प्लस आर. ऐसे कहने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मगर ये सिंपल रूल है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहां पर रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती है. सो आर इज ऑलवेज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो. सो नाउ मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर. क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer odd integer is of the form (6q+1, 6q+3, or 6q+5) where q is any integer. Q is any integer. Now see its solution. थोड़ा सा theoretical question है, इसमें focus करिएगा जरा अच्छे से. सी इट्स सॉल्यूशन. देखिए, लेट ए बी, साथ साथ लिखिए मेरे आप, बिल्कुल बोलते हुए लिख रहा हूं मैं. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6. बी की वैल्यू हमने ले ली 6. एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर. तो ए की वैल्यू तो ऐसी है, बी की जगह हमने 6 ले लिया. इन प्लेस ऑफ बी वी हैव टेकन 6 बिकॉज क्वेश्चन इन क्वेश्चन देयर इज 6. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exist unique integers q and r such that a equals to bq, in place of b there is 6, so 6q plus r. And what is 6? 6 is divisor, b is divisor, 6 is divisor. So therefore ये जो divisor है, remainder की जो value है, value of remainder will always less than 6, क्योंकि यहां पर divisor 6 है. लेकिन ये 0 भी हो सकता है और 0 से greater हो सकता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, r is less than 6 and greater equals to 0. So now seeing it clearly, what can be the value of r? R can be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Less than 6 means up to 5 it can be. So therefore, R may have values. What are values? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ये वैल्यू हो सकती है आर की. देखिए 6 से छोटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 6 नहीं हो. थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बी कर. अब आप देखिए, अगर मैं इस आर की वैल्यू को यहां पर अप्लाई करूं, 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 6q 0, 1 रख दूं तो 6q+1, 2 रख दूं तो 6q+2, 3 अप्लाई करूं तो 6q+3, 4 में 6q+4, 5 रख देगा यहां पर 6q. Therefore,
A can be written as बताइए A कैसे कैसे लिखा जा सकता है 6 cube, 0 आ गया नहीं यहां पर 1 रखिए 6 cube plus 1 2 रखिए 6 cube plus 2 3 रखिए 6 cube plus 3 4 रखिए 6 cube plus 4 एंड 6 cube plus 5 हो सकती है ना एक ही वैल्यू सिंपल एकदम एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 3 4 रखा एक ही वैल्यू अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स आर ऑफ टू कैटेगरी वन आर इवन एंड वन आर सो व्हाट आर द इवन नंबर्स नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ टू व्हिच आर डिविजिबल बाय टू आर नोन एज इवन नंबर्स एंड रेस्ट आर ऑड नंबर्स सिंस clearly 6 cube, 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4 are multiples of 2 so they are even so they are even इसका मतलब ये क्या है even है this implies that जो बच गए कौन बच गए 6 cube plus 2 6 cube plus 4 6 cube plus 2, 6 cube plus 4 and 6 cube plus 6 cube one number 6 cube plus 2, 6 cube plus 4 are even ये even है and therefore 6 cube plus 1 जो बच गए थे 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 are odd. Hence, ठीक है मुश्किल नहीं है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनिएगा अब जो नया क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा बहुत ही जबरदस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू So I am writing here, see if carefully, very important question, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ सी केयरफुली वेरी केयरफुली यू हैव टू सी दिस वन फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट देन आई विल राइट यू मस्ट सी हियर देखिए वो आपसे कह रहा है कि हम कोई भी नंबर ले लें और उसका स्क्वायर कर दें या तो वो 3m की फॉर्म में फिट होगा या 3m प्लस वन की फॉर्म में होगा ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं हम पहले कोई भी नंबर आप बोलिए 4 का स्क्वायर 16 अब मैं 16 को कैसे लिख सकता हूं 3 into 5 plus 1 सो इट इज फिटिंग इन फॉर्म 3m plus 1
square of 4 can be fit in the form 3m plus 1. Okay, now I am taking square of 3, 9. It can be written as 3 into 3, so it is in form of 3m, where m is integer. So here 3m plus 1 fit ho gaya, 3m form mein fit ho gaya. ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, सपोज 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर 100, या तो वो 3m फॉर्म में फिट होगा या वो 3m प्लस 1 फॉर्म में फिट होगा. देखिए कौन सी फॉर्म में फिट हो रहा है. 3 इंटू 33 प्लस 1, 99 प्लस 1, सो इट इज फिटिंग इन फॉर्म 3m प्लस 1. क्लियर. नाउ सिंस दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सो इट्स solution will be theoretical. So see how can we solve it. Now see it carefully. Look here. Its solution is starting from here. Let a be any positive integer and b equals to 6. B is not 6. Here b is equals to 3. Because in question here is 3. So we will take b equals to 3. Rest language will be same. Then by Euclid's division lemma, there exist unique integers q and r such that a equals to 3q plus r, and here since divisor is 3, so remainder will be less than 3 and greater equals to 0. So r may have values. Bataiye r kya kya ho sakta hai. R 0 ho sakta hai, 1, 2, 3 nahi ho sakta, 3 se less. So r may have values 0, 1 and 2. R की वैल्यू तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. नाउ a कैन बी रिटन एज, अब बताइए a कैसे लिखा जा सकता है उसी बेस पर. हाउ कैन बी राइट a, अगर हम इन प्लेस ऑफ 0 r की प्लेस पर, अगर इन प्लेस ऑफ r वी पुट 0, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी 3q. a कैन बी रिटन एज 3q, अगर हम r की जगह 1 रख दें इट विल बी 3q plus 1, एंड अगर हम r के प्लेस पर 2 अप्लाई कर दें इट विल बी 3q प्लस 2. सो a कैन बी रिटन एज दिस. अब हमें क्या शो करना है, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर लें, या तो वो 3m फॉर्म में फिट होगा या 3m प्लस 1 फॉर्म में फिट होगा. नाउ वन बाय वन वी टेक ईच एंड एवरी नंबर एंड वी विल डू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड विल शो दैट इट इज फिटिंग आइदर इन फॉर्म 3m और इन 3m प्लस 1. सी हियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन. नाउ वी आर डूइंग स्क्वायर ऑफ 3q. This is 9q square. So can you guess how can we fit it? Write this. 3q square. So it is in form 3m. कौन सी फॉर्म में फिट हो गया? 3m की फॉर्म में फिट हो गया. Yes or no? Comma, where m is an integer, या m belongs to I, ऐसा भी लिख सकते हैं. Where m belongs to I. Now we will take second number which is 3q plus 1. Now we are doing its square. Apply here a plus b whole square formula. A square 3q square 9q square. Now you can apply directly. Plus dono ka multiplication uska twice. 3q into 1 3q double 6q. 1 ka square 1. Now in dono mein common to 3q aa raha hai, but I am interested in 3. I am interested in 3. 3 is common. So 3q square plus 2. Okay? Plus 1. So which form this one is acquiring? 3m plus 1. Second form. Where n is? Where m equals to? M goes to 0. Doesn't matter. Form kaun sa acquire kar liya isne? 3m plus 2. Now there is third number. Let's see which form this acquires. Iska square kaun si form acquire karta hai? Dekhi, iske square ne to 3m form le liya. Dusre wale ke square ne 3m plus 1 le liya. Ab teesre wale ka square in dono mein se hi koi ek form lega. Dekhte hain kiska form leta hai. To isko open karenge. Ab main pura likh raha hu detail mein. A square plus dono ke into ka twice plus b square. So I can write it 9q square plus 12q plus 4.
अब देखिए अगर मैं इसमें कॉमन लू डायरेक्टली तो ये कोई फॉर्म एक्वायर नहीं कर रहा है, इसके लिए स्टेप कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस वन इज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सी केयरफुली। 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस वी आर राइटिंग 4 लाइक दिस, 3 प्लस 1। नाउ वी विल टेक 3 हेयर कॉमन, व्हाट विल बी इनसाइड ब्रैकेट, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 एंड प्लस 1। सो विच फॉर्म दिस इज एक्वायरिंग, दिस इज एक्वायरिंग 3m plus 1। विच फॉर्म दिस इज एक्वायरिंग, 3m plus 1। m इज दिस मच, वेयर m इक्वल्स टू दिस वन, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। दैट्स ऑल। लास्ट फाइनल लाइन, कंक्लूडिंग लाइन, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। Hence proof. अब बिल्कुल इससे मैच करता हुआ तीसरा क्वेश्चन में इसकी तुरंत नेक्स्ट अगली वीडियो में बता रहा हूं। टेक अ रेस्ट ऑफ 1 मिनट।